वाहिगुरु 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 पैगंबर किते गने ना परत गने ना परत तुम ही ते होके फिर पुन ही मिले हैं
राणा रो न को रहे रंग न तुंग फकीर बारी आपो अपनी कोए न बद तीर राम गयो रावण गयो जाको वह परवार नानक तिरख नहीं सुपने दियो संसार जैसा सुपना ऋण का तैसा सुपने स्थिति चित मूर्ख लाया बिसरे राज रस सुख पो जागत पखलाया आर जागे बिहाए तंदे ताया क्या विचारा जंत आप पलाया नरपत एक सिंहासन सोया सपने पे आप खारी ते राज विजर दुख पाया सोगत पे हमारी माधवे क्या कही है परम ऐसा जैसा मानिए हुए न तैसा जब हम होते तब तू नहीं अब तू ही मैं नहीं मन लगम जस लहर में उदत जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए पन ऐसा जैसा मानिए हुए न तैसा नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पे आप खारी अष्टराज विसरत दुख पाया सुगत पे हमारी आज प्रियंग प्रसंग जैसे है आपका समर जनाया अनक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहनाया
हर वेक अनिक समी सब कट बुगवै सोई कहरब दास सात पैनेरे सहजे होए सोई हर का बिलोवना बिलोवो मेरे पाई सहज बिलोवो जैसे तत न जाई चेतना है तो चेतल नित दिन में पानी दिन और बिहार है पुते घड़ियों पानी हर गुण काहे न गावे मूर्ख ज्ञाना झूठे लाल चलाग कै मन पछाना अज हो कछ बिगड़ो नहीं जो प्रभ गुण गावे कौन ते भजन ते निरपै पद पावे गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सत संगत जी ख्याल बाहर जान तो रोकिए चित विरतियां एकाग्र करिए रसना दी पवित्रताई दे वास्ते सारे ही उच्चारण करो जी सतनाम श्री पातशाह जी दी कृपा होई है सतगुरु जी दे सजे दरबार दे अंदर सानू सतसंग दा सुभाग प्राप्त हो रहा है। अज दे ए सतसंग बहुत ही सत्कारयोग माता अजमेर कौर जी दे शरीरक विछोड़े परथाए हन प्रेमी परिवार वालों माता जी दे परथाए सतगुरु जी दे ओट आसरे ले हन अपने घर गृह दे अंदर निमित कर्म करदे होए बाणी दे पाठ आद तो मध तो संपूर्ण सुने ते पढ़े गए हन। ये सारी पढ़ी अते सुनी बाणी दा महात्म कीते सत्संग दा महात्म
उस बिछड़ी आत्मा नूं समर्पित करना है। आओ सारे ध्यान दिओ कि असी भी इस तरह जाना है। एक ना एक दिन वो आना है जिस दिन सानू इस मात लोक की यात्रा पूरी करके सदा आ जाना। इस मात लोक तो शरीरक तौर दे उत्ते चले जाना है, क्योंकि सारे नहीं आते हैं घर घर यो पहुँचा। सदड़े नित पवन सारे ये सदे आते हैं, स्नेहे आते हैं। पहला बचपन सी, क्योंकि तीन अवस्था हैं, बाल जवानी और बिरध फुन, तीन अवस्था जान। बचपन लंघ गया, 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष किश्तापना कियो, 30 वर्ष शदेव न पूजा, फिर पछताना बिरध पियो। 10 बालतन बचपन च ही लंघ गए, 20 श्रवण जवानी आ गई, 30 का सुंदर कहावे, 30 साल शरीर बहुत सोहना सुंदर लगता है, 40 पुर 40 साल तक ये पूरा भर जाता है। उस तो बाद घटना शुरू हो जाता है, 85 पग खिसे, 60 के वडेपा आवे, 60 साल की उम्र तक जाते जाते 50 तो ऐसा पैर पिछे नू खिंचना शुरू होया, 60 ते जाके रिटायरमेंट ले लेंदा है। 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार ना पावे, हुण फिर इत्थे तक फिर इहनू कुछ नहीं चंगा लगता। फिर अगे की हुंदा, 90 का से झासणी, 90 साल की उम्र तक पहुँच के सेजा ते आसन लग जाता है। अगे की है ये देख लो, सारे आपां देखते हैं, टंडोलम टूडम डिठ, नानक यह जग धुएं का धवल हर, धुएं दे पहाड़ वांगू है। माता जी ने जनवरी 1923 का समा, हुण जिहड़ा उस समा ये 23 का सन आया, इस समय उन्होंने किवें शरीर का परित्याग कर दिता। 1925 जनवरी दे विच शरीर धारण किया, तकरीबन 98 साल दे हो के माता जी चढ़ाई कर गए हैं। प्रेमी परिवार है, क्योंकि जो एक कर्म है निमित्त कर्म हुंदा है, कि उन्होंने तो पिछों बाणी का वो टासरा लिया है, ते नाल पिछे कीर्तन सत्संग करवाया कि उस आत्मा नूं शांति मिले, पिछे भी सुख शांति रहे। इस करके सदे दिते गए कि आओ इस तरह दे नाल अज अरदास विच जुड़ना करो। एक ए तां सदे ते असी आ गए, एक सदे ते जाना है। वो किहड़ा सदा है, वो किहड़ा घर है जिस घर विच जाना है। ये तां घर नहीं, तां एक धर्मशाला है। एक फकीर चरस्ते ते बैठा, उहदी कुल्ली सी, उहनूं कोई जी रस्ता पुछदा तां उसने शमशान घाट वल इशारा कर देना, जाके देखना शमशान घाट विच इत्थे तां कोई घर ही नहीं।
खाना बदोश दिए नगरी है, सारे पासे खामोशी छाई है। आके फकीर नु बुरा भला कहना कि तू सानू केड़े रास्ते तोर दिता है। वो कहन लग्या फकीर कि असली घर तो यही है, बाकी तो जिहड़े घर दी तुसी मेरे नु पुछदे हो उहनू मैं की दस सकदा, तो एक धर्मशाला है। चलो चली दे मेले हन, असली तो सदा गोर नवाणी सड करे नी घरिया कर आओ, इस घर विच आना ही है सारे ने, उत्थों सदा आंदा है। सददी है जिंद तेनू गोर नवाणी, जिंद गोर नवाणी, करे सद रही है नी घरिया घर आओ, जिथे तू रहना है ता धर्मशाला है, इधर आओ, इत आन तो डरो ना, आना ही है एक दिन सर पर मैथे आवना, मरनो ना डरियाओ। कौन डरदा
जिहड़ा नाम नहीं जपदा पाप करदा सो डरे, जो पाप कमांदा धर्मी बगसेत। जिहड़ा नाम च स्थित हो गया ओ तां निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै। ओ तां इस दिन नूं अडीकदा है, जिस मन ते चक डरे मेरे मन आनंद, मन ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। जिदी तैयारी हुंदी है, जिसने इस मात लोक की यात्रा समय सेवा ते सिमरन दा तोसा खजाना जमा कर लिया, गुरु नूं समर्पित कर दिता, ओ तां इस दिन नूं अडीकदा है, क्योंकि उन्हें तैयारी कर रखी है। कबीर जात दिन हम पाछी पिया आनंद, मोह मिलो प्रभ अपना संगी पदे गोविंद। जिस दिन गुरु तो मंत्र ले लिया उस दिन असली जन्म होया। गुरु मंत्र दी कमाई, कमाई वाले पुरशां नूं पुछ के कीती, उन्हां दी संगत कीती, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मिठा। जदों नाम मिठा लग्या फिर भाणा भी मिठा ही लगू। तेरा किया मिठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै, पर जिन्हां ने करे ही ना वो तो डरदे ने मरने ते सब डरे, जीव्या लोड़ै सब कोई। जिन्हां ने हों नूं मार लिया, वाहे गुरु गुरु मंत्र है जप होमें खोई, उन्हां दा तावा गवन दा चक्री मुक गया, क्योंकि होमें दे विच इंसान जमदा है। हों विच आया हों विच गया, हों विच दिता हों विच लिया हों विच खटिया, हम सारा कुछ ये हों च ही करदा है। हों विच हसै हों विच रोवै, हों विच जाती जिनसी खोवै, हों विच मूरख हों विच स्याणा, मोख मुकत की सार न जाना। हों विच माया हों विच छाया, होमें कर जन्म गवाया, होमें बुझे तां दर सुझे, ज्ञान भी होना कथ कथ लुझे। नानक करमी लिखिया लेख, जेहा वेख है तेहा वेख। होमें एहा जात है होमें कर्म कमाए, होमें कितों उपजे कित संजम एह जाए। होमें दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे, क्योंकि दवाई अंदर पई है, वो जेड़ी दवाई है ओदे नाल ही
इहो में भी पा दती। जिन रच रचिया पुरख बधाते नाले होमें पाई, जन्म मरण उसी को है रोहा जाई, आवा कवन दे चक्कर च ही लैके आंदी। होमें बुझे तां दर सुझे, जिनू समझ लिया कि होमें एहा जात है होमें कर्म कमाए, होमें यही बंदना फिर जो नहीं पाए, होमें कितों उपजे कि संयम ए जाए। क्योंकि जदों इस शरीर दे विच नाम पिया है, नाल ही होमें है, होमें नावे नाल विरोध है, दोए न वसे किठाए। जदों तक होए उस समय तक जब हम होते तब तू नहीं, ओ नहीं तू नहीं। क्योंकि होमें नावे नाल विरोध है, फिर की है, अब तू ही मैं नहीं। ओ अवस्था तक पहुंच गए, वाहिगुरु मंत्र लिया, बोल के उची उची आवाजां दित्तियां, वैखरी बाणी दी सांझ पाई, मध्यमांत प्रवेश ताई होई, अंदर सुनाई, फिर हिरदे जान पब कीता। क्योंकि बिन जिहबा जो जपे है आए, कोई जाने कैसा नाओ। फिर स्वास तेनू लियाउंदा, स्वास चलदे ने लगभग 24,000 स्वास रोज आउंदे जांदे हन, ते इन्हां दे नाल उहनू याद रखदा है। सिमरो हुंदा कि उहनू याद करना, फिर वो आखरी स्वास ते वी आ जाऊ, फिर तापे ही हुंदा स्वास जिवें आउंदा जांदा। होर अवस्था उच्ची हो गई, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, होर उपर वेख्या के ता सारे हर हट पी तू करे, बुल है पली पान। फिर ते सारिया हर हट यही करदा, उहदी आवाज दे नाल भी तू सुनाई दंदा। जब हम होते कदों तक, जदों तक मैं सी तू नहीं सी। इस तरह उस अवस्था कबीर तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हो, आपा परख मिट गया सत तू। जदों ये खत्म होगी हंगता ममता, मैं मेरी मैं तू बदल गई, ते तो जत देखो तत् तो तत् वस्तु समझ आ गई। मनोनाश वासन खै तत् ज्ञान हो गया, कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान अवस्था प्राप्त होगी। किवें होई? जदों उस सुरमा खां पै गया, जदों तक गुरबिन ज्ञान ना होई, ज्ञान नहीं सी, अपने भी बगाने नजर आउंदे सन, मित्र नजर आउंदे, दुश्मन भी नजर आउंदे सन,
पर गुरु दी कृपा हुई, गुरु तो मंत्र लिया, मंत्र दी कमाई कीती, नाम च रसवाई होई, सत्संग कीता, संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभु का लागा मिठा। कदों होया जदों गुरु ने ज्ञान अंजन गुर नेत्री दिया। ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान देर बिना, हर कृपा ते संत पीतिया नानक मन परगास। ऐसी संगत मिली, महापुरुष जदों बड़े राड़ा साहब वाले महापुरुष बड़े संत जी महाराज शरीर का परित्याग कर गए, 26 अगस्त 1975 वुल्वरहैम्पटन इंग्लैंड की धरती ते समाधि ला के शरीर का परित्याग कर गए। फिर इन्होंने भी उन्होंने प्यार विच बराग विच यूपी फार्म बेच दिता, सब कुछ त्याग के इस इलाके च आए। घर घर जंगम तीर्थ वांगों संगतां नूं नाम बाणी नाल जोड़िया। कोई रोपड़ जिले का तो नगर ऐसा नहीं रहा जिथे महापुरशां दे चरणां ते हुण 5-5 दिन दे सत्संग होने। सत्संग दे विच सोझी होनी, गुरु वाले बन जाने, अमृत छक लैने, 500 अमृत छक दे, फिर अंदर दी रिसर्च कर दे, फिर ओ ए निशानी साध की जिस भेट तरी है। की निशानी हुंदी है, विसर गई सब ताप पराई, जब ते साथ संगत मोए पाई, ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बन आई। इस सत्संग दे विचों सोझी मिली, सत्संग दी निशानी भी ही हुंदी है कि ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बने आई। ओ की निशानी है, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त कहावे। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। वो जिथे जाके सारे दुख मुक जान, उस मुक्त अवस्था की प्राप्ति हो गई। बेतापे तन तन कहिंदे हन, रे रे तर गए कह नको, आओ बैठ आदर शुभ देओ, सत्कार मिलदा, आलोक भी सुखी, परलोक भी सहेले हो जाते हैं। तो दूसरे जेड़े गुरु वाले नहीं बने, गुरु तो मंत्र नहीं लिया, उन्हों का तो ना लेना भी बुरा। गुरु मंत्र
जरूरी है। सतगुर वाद हो गुर नहीं कोई, नगुरे का है नौ बुरा क्यों बुरा। गुरु मंत्र हीन जो प्राणी तेरे गहंत जन्म प्रश्न है। उक्र है शुक्र है कर्तव अर्पण, तुल खल है केहो जी कामा कुत्तियां दी फिजोनी प्यार है। एक ऐसी मुक्त अवस्था जिन्हां नूं प्राप्त हो गई उन्हां नूं तां कहा कि चार दिन होम हुआ पाछे पिया आनंद। मोहन मिलियो प्रवे अपना संगी पजै गोविंद। कबीरा जा तू जन्मे हां जगत में, जग हसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो प्यारे। तुम हसे जग रोए। हुण आउण वाले दिन, क्योंकि कत्तक महीने की कल शुरुआत हुई, कत्तक होवे साध संग। दिन सह सबे सोच, जिस तरह सत्संग मिल जावे, एक तो हुण रुत भी बड़ी सुहावनी है, जां तां मार्च च रुत ऐसी आउंदी जदों दिन ते रात बराबर हुंदे ने, जां हुण रुत आई दिन ते रात बराबर ने, ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत रुत सुहावनी है। होर भी सुहावनी बनती जे तो सत्संग मिले, फिर सारे सोच बिन से जाते ने, सारे फिकर सारिया चिंतावां दा खात्मा हो जाता है। क्यों? क्यों बड़भागी मेरा प्रभ मिले ता उतरे सब योग। विछोड़े दा दुख क्यों है? क्योंकि साड़ी होनी खत्म हुई, हौ रवंदी सब जग रुना ने बनू पंखेरू। फिर सानू ओही लगदा रोगी के भाणे सब रोगी। जदों तक हां है उस समय तक नाम च निवास नहीं होना, इहदे वास्ते वैराग दी लोड़ है। नामे जोग ध्यान चित लाया, बिन बैराग न छूट समाया। विरहा विरहा आखी है विरहा तू बलतान, दाजित तन विरहो न उपजे तन जन्म खान। जिदे अंदर कदे वैराग नहीं आया,
ओ की है हिरदा, ओ मसान वांगू है, कलर जिमें हुंदा कलर खेती बीजी है क्यों लाहा पावे। इस करके वैराग ओ फ्यूल जिमें रॉकेट च ऐसा हुंदा जिहड़ा ग्रैविटी तो उपर उठ खड़िया, उसनों फिर ऐसा फ्यूल भरिया जिहड़ी राग है अटैचमेंट है वो खत्म हो के वैराग च बदल के वीत राग अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये अवस्था महापुरशां दे जीवन साथी साढ़े परम पूजे सत्कारयोग बीरी दे शरीर विच महापुरशां तो बाद प्रगट होई। की निशानी सी? नौ निशानियां। आशकर नव निशानी ऐ पिसर रंग चरदो आहा सरदो चशम तर काम गुप्तनो काम खुर्दनो ख्वाबशहरा इंतजारी बेकरारी दस्त सर। ये निशानियां हैं सो दिन आ रहे हैं जिमें अज आप इत्थे सत्कारयोग माता जी माता अजमेर कौर जी की अंतम अरदास दे विच शमूलियत करन वास्ते आए हाँ, क्योंकि यही साडे कोल हुंदी है नानक हुक्म न चले नाल खसम चले अरदास। ये अरदास दे विच आपां जुड़ना है। इसे तरह सत्कारयोग माता जी विश्व गुरमत रूहानी मिशन दे बानी महापुरशां दे जीवन साथी जो आपां ये नौ निशानियां दा जिक्र कीता है वैराग दियां प्यार वालियां दियां ये नौ निशानियां उन्हां तो प्रगट हुंदियां सन। अंतम समा आउणा सारियां ते आउणा जदों उन्हां दा आया उन्हां दे निवास स्थान ते 781 मोहाली उन्हां दा सपुत्र भी इंग्लैंड तो आए सी भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी शिकागो रहिंदे हन अमरीका तो आए सन। सपुत्रियां भी आईयां हुईयां सन इंग्लैंड तो अमरीका तो। बड़ी लंबी उम्र सी उन्हां दी 1918 8 अगस्त का शरीरक जन्म ते 95 की उम्र ते जदों शरीर का परित्याग किया दसदे हन उन्होंने देखा अनुभव किया कि लाइट आग्या चक्कर च चली ते उपर उठी ब्रह्म रुद्र दे राही शरीर का परित्याग योगियों वांगू कर गए। खेड भी ऐसी वरती कि 31 अक्तूबर महापुरशां दा महासमाधि दिन है, क्योंकि अवस्थावां उन्होंने उन्होंने प्राप्त होईयां जिहदे विच ऐसियां समाधियां दा जिक्र है कि सम दम जमनिजम आसन प्रतिहार
प्राणायाम तो बाद धारणा ध्यान समाधि। समाधि भी ऐसी महासमाधि सुखमनी साहब पढ़िया जा रहा है जो इस रूहानी मिशन दे हुण आगू हैं मौजूदा मुखी संत बाबा लखबीर सिंह जी वो इस सुखमनी साहब जी का पाठ कर रहे सन। तो उस समय जो पढ़िया जा रहा श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। उस समय दिन दे 1:13 होए सन 31 अक्टूबर 2001 का दिन सी। सीधे बैठ के पहले ही महापुरशां ने रात को 30 दी रात ये बचन कीते कि इस संप्रदाय जो भाई साहब भाई दया सिंह जी तो चली गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे आशीर्वाद दे नाल इस संप्रदाय दे महापुरश सीधे बैठ के शरीर छड्ड दे रहे हैं क्योंकि आसन सिद्ध किए सन। तो समाधि महासमाधि जिथे सुन मंडल एक जोगी वैसे नारना पुरख कहों को कैसे किमें कहिए उस गल नूं सुन समात अनहत तहनाद डूंगा स्वास लिया। उधरों ये श्लोक पढ़िया सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। सो इस तरह इस भाग जोड़ी दे दिन 31 अक्टूबर महापुरशां ने शरीर का परित्याग किया उन्हां दे जीवन साथी ने अगला ही दिन 1 नवंबर उन्होंने भी परित्याग कर दिता। सो इस तरह देखण च आया है संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेखे आखी। किस तरह का जाना बहुत ही घट नसीब हुंदा है नहीं तो जिंद नमाणी कढ़िया हड्डा कूकड़काए बड़ा औखा समय बहुत वड्डा दुख है विछोड़ा सुने दुख बिन डिठे मरियोत वास प्यारे अपने बिरही ना तिरोंद। उन्हां दे इस विराग मई दिवस महासमाधि दिन 31 अते 1 नवंबर ये दो समय तो ऐसे विराग दे हन जिन्हां दे विच समा भी रुक जाता है। मैं रवंदी सब जग रुना रुनड़े हुण पंखेरू सारी विराग ही विराग दिसदा है। सो जरूर दर्शन दिओ समागम 30 नवंबर शुरू होने जा रहा है। देशों तो प्रदेशों तो विदेशों तो संगत रतवाड़ा साहब आनी शुरू हो गई। इस परिवार के मैंबर भी सत्कारयोग माता अजमेर कौर जी दे पुत्र रतवाड़ा साहब जाते हैं सत्संग करते हैं। सो ये तो जाते ही ने बाकियों भी बेनती है कि 4 दिन के जोड़े 2 दिन हैं 31 का ये दिन 1:13 तो 1 नवंबर की रात 11:30 ये दो ऐसा समा आता कि उस समा उन्होंने महासमाधि दिन सुभाग जोड़ी महापुरशा की अखा तो शरीरक तौर पर ओले होए हैं। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता असली जीवन उन्हां दा हुंदा है जन्म मरण दोहूं मैं नाही। जन परोपकारी आए किड्डे किड्डे परोपकार कीते इस इलाके नूं कौन जानदा सी। अज जिथे भी जाओ संसार विच ये दस दिओ कि असी रतवाड़ा साहब दे नेड़े तो आए साडा नगर सेखूपुरा आए उस समय सारे एकदम तुहानूं हत्थां ते चुकणगे
क्योंकि इत्थे उन्हां जीवन दान मिले हैं, संगत देशां प्रदेशां तो पहुँच रही है, सो आप जी ने भी दर्शन देने। जिवें अज इस दुख की घड़ी विच तुसी आए, रिश्तेदार आए हैं, सारे जिन्हें भी प्रेमी जन आए, संगती रूप विच आपां अरदास करनी है। अरदास विच जुड़न तो पहला जरूर अपने मनोविरतियां नूं, चित विरतियां नूं एकागर करो। सारे उस माता नूं श्रद्धांजलि अर्पित करिए, फिर मन टिक जांदा है। फिर आनंद साहब पढ़िए, उपरंत अरदास विच जुड़िए। सारिया ने करना, पहला आप बोल के करांगे, बैखरी बाणी सांझी बोली दी है, फिर अंदर सुनदा है, फिर हिरदे च अनुभव हुंदा, फिर श्वास ते आ जांदा। आखिरी श्वास ते आ गया, सानू भी वह अवस्था मिल जाऊ जिथे जाके सारी दुख मुक जाणगे। नहीं तो दुख बड़े ने, दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख सख्त वार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए, वैद न भोले दारू लाए। सारिया दुखां कलेसां पापां दा नास, ये वाहिगुरु मंत्र है। सो 1 नवंबर नूं खंडे बाटे दे भी अमृत छकाए जाणगे विधि पूर्वक, 5 प्यारिया पासों अमृत छक के गुरमंत्र मूल मंत्र लो, दृढ़ करो, फिर नाम तक रसवाई हो जाएगी। आओ ये जुगत नूं अपनाओ, आत्म मार्ग मैगजीन जरूर घर च लवाओ, फिर ये राही थानू ये सोच मिलेगी, सोझी मिलेगी, सेध गुरबाणी देंदी है। गुरबाणी दे प्रकाश विच आत्म मार्ग मैगजीन विच महापुरशां दा अनुभव प्रगट होया है, सो जरूर अपने घर च लवाओ। आओ आप पहला बोल के करांगे, अंदर नूं श्वास जांदा वाहे, बाहर नूं आउंदा गुरु। जिन्ना डूंगा श्वास लै सकदे हो लो, पेट भर के लो, पेट नूं खाली रख्या करो हवा वास्ते, थोड़ा जिहा हिस्सा पानी वास्ते, 1/4 जिहड़ा 4 हिस्सा तां जरूर खाली रहना चाहीदा, चलो 3 हिस्से भर लो। ये ना करो पेट भरे पशुआं जिहा सोया, गर्दब वांगू लाहे पेट गधे वांगू, फिर लिटदे ने धोती खोल बछाए, फिर ये पासे मारने पैंदे हन, ये जरूर करया करो। अल्पहार सुलपसी निंद्रा दया शमा तन प्रीत, उठत बैठत सोबत नाम, यही असली काम है, कहो नानक जन कै सदकाम। आओ करिए, जदों श्वास छड्डो पेट अंदर लग जावे, फिर सारी जिवें दुख रोग का डेरा पन्ना अंदरों बाहर आ जावे। ये एवें गल्लां नहीं तजर्बे करके देखे हैं। पूर्णमासी की रात आनंदपुर साहब दे उस इलाके विच सतलुज दरिया के किनारे ते मंत्र चिकित्सा पढ़ा के देखी, उत्थे सारियां थेरेपियां ने, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग अभ्यास, सारा उत्थे कंबाइंड करके कंबीनेशन थेरेपी वरती जाती है। सो ये जरूर करो, ये रिजल्ट बहुत चंगे निकलते हैं। आओ सारे करिए, 90 डिग्री 90 डिग्री ते मेरुदंड स्पाइन सीधी रख के श्वास नूं बाच करो, रोज़ करया करो, सवेरे सीधे बैठ के रात नूं पे पे करी चलिया करो, फिर आपे ही होना शुरू हो जांदा। ओए करके इस तरह माता जी नूं श्रद्धांजलि अर्पित करिए, उपरंत आनंद साहब पढ़ के अरदास विच जुड़िए। पहला आप बोल के करांगे, फिर 1 मिनट अंदर सुनांगे, मौन वर्त च उस माता दी आत्मा नूं शांति मिलू जदों इस तरह करांगे, ते परिवार च भी सुख शांति रहू, परिवारां च कारोबारां च वाधा हो। ये निशानी हुंदी है, जे ओह रूहां नूं शांति ना मिले फिर किन्ने विघन लग जांदे हन। सो आओ सारे करिए, उपरंत आप समाप्ति करिए।
राम क्ली महला तीजा आनंद एक ओ अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया दूता गव हरे तेरा निदनी बसाया ए मन हीरिया तू सदा हर नावे आंगी करू करे तेरा कार्य मन मेरे सदा हर नावे करत तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे नाम के मन होशिया बाजे शरक मेरे नाही कतेरे साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा दिन सुखा सब बया सदा अणकता गुरु विटो जिस दिया वड्याईया तू शब्द करो साचा पंच तूत तुद वस किते काल खंडक माया दुर्कार माया करमी आपने दूर नानक ते मुख उजिले तू ठाकर तुम जियो पिंड सब Yeah.
राखी प्रभु अगे अरदास अरदास को ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगत जी की पातशाही दसवीं तीर्थां भगवती सिमर कह गुरु नानक नहीं ते आए फिर गुरु ते अमरदास राम दास हरि सहाय हर दिन हर गोविंदन सिमरो श्री हर राय श्री हरि कृष्ण ते हरिय जिस डिठे सब दुख जाए ते बहादुर सिमरिय कारणो निर्यावताए सब धन जी सहाय दसवीं पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पिछले वर्जन वाले सदस्य दाते सब धन जी सहाय सब धन जी सहाय दशम पातशाह परमात्म जागदी ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदारदा ध्यान धरके गुरना जी वाहिगुरु हजूर के पंजे प्यारियों चों हर साहबजादियां चार हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के शक्का देख चलाई ते विवाह देख के हां जेठ पीता तिनां प्यारियां सच्यारियां की कमाई का ध्यान धरके बोलना जी वाहिगुरु जिन्हां संगां संगियां ने धर्म विच शीश दित्ते बंद बंद कटवाए गुरुद्वारा की सेवा नहीं कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिरक केसां सासां संग निभाया तेना संगा संगियां को चंगियां दा ध्यान धरके बोलना जी वाहिगुरु पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलना जी वाहिगुरु फिर संसद खालसा जी की अरदास है जी खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवै चिता अपने सदका सर्व सुख हो गए जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहां तहां रिछया रियायत देग तेग फतेह गर्द की पैज पंथ की जीत श्री साहिब खालसा जी के बोल बाले बोलना जी वाहिगुरु सिखा नु सिखी दान देश दान रहत दान विवेक दान शाह दान भरोसा दान दाना सतनाम दान श्री अंशाह दर्शनी स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग तल धर्म का जयकार बोलना जी वाहिगुरु आप जो सिखा का मन ही मन मत उची मत पथ दे राखी आप अकाल वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपनी पंथ दे सदा सहाय दा पार पातशाह जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं बछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदारे अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे नमाण दे मान सतगुरु नताणियां दे तान सतगुरु ने उठियां दे कोठ ने पत्तियां दे पत्त ने गत्तियां दे गत्त निथावें निथाव बे आसन से सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बिरसी कदे न हो गई जन की अरदास नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुरदास चरना कमला विखे अरदास बेनती प्रार्थना की जाती है सतगुरु जी जेहा चिरे लिखिया जेहा हुक्म कमाए धंधे आवै नानका सदे उठे जाए जमण मरना हुक्म है आने आवा जाए महाभगवान सर पातशाह जी आप जी करदा दी प्रीत बन माता अजमेर कौर जी आप जी हुक्म अनुसार संसारक यात्रा करते हुए कई रोज पहला अकाल चंद्र के सन उन्हों की आत्मक शांति लई आप जी ने परिवार को उदम बख्शा से तुरकी वाणी आई इन सगली चिंत मिटाई दयाल को मेहरबाना हर नानक प्रसाद उत्थाना जी के श्री साहिब पाठ प्रारंभ पाए संपातशाह जी स्वागत महान महान कृपा हुई है पातशाह जी उन्होंने के अमृत वेले भोग पाए गए हैं पातशाह उपरंत खुले पंडाल के कलयुग में कीर्तन प्रदाना गुरमुख जपे लाए धन महाभक्ता अनुसार दातार पाशो कीर्तन बखान किए गए पातशाह जी श्री पौड़ी नंद साहब पढ़िया गया श्लोक पढ़िया गया पातशाह पढ़ी सुनी बाणी दरते प्रवान करने वाली बाणी का भाव बिछड़ी आत्मा नंबर बताना बिछड़ी आत्मा अपने चरणों के निवास देना
पिछे परिवार अते रिश्तेदार संबंधियों नूं पाणा मुंडा लक्षणा काल पंथ कपूर अगे वास्ते परिवार से मेहनत रखना दुखां कलेशां दा नाश करन भजन बाणी दा प्रकाश करना शुभ भावना पूर्ण कमियां चढ़दियां कला कमियां कारों में रखियो अपने सुख पाणी पाशी गुरबाणी दे नाल जोड़ के रखना समूह संगत दी हाजरे कृपा दाते प्रवान कर लैन चलिया चलिया कबर लिखी माणा दा तर पाशी इन्हें ही भावना पकते बख्शे पढ़ाने विचों पवित्र कराब शादी दे ते लंगर सड़ के हारे कृपा करके भोग लाओ भोग लेगा प्रसाद ते लंगर संगतां विच वरताउण दी आग्या बख्शो पातशाह जीओ जिन्हां खजाने विचों रस्तां असीं खजाने भरपूर करने काल पंथ कपूर अन्न चढ़दी कला करने पाशी सेव भुला दी सेवा निर्दर से प्रवान कर लैन ही पातशाह जीओ जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे दया करो किश मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे जीड़ा अगन बराबर तपै भीतर उगै करती परमत नान हुक्म पछाणै सुख होवै तंदासी पातशाह सुख वरताणी नगर खड़े सुख वरताणी पातशाह हुक्म बख्श के संदान करतार करो सही पारे मिलो मिला तो नाम चित्तावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਪਹੀਆ ਕਾਲ ਕੇ ਤਪਹਿ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਮਾਨਹਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸੁਣ ਲੈਂਗੇ ਬਚੇ ਸਰਨ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੀਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਵਾਹੇ ਕਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਵਾਹੇ ਗਹੇ ਇਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੀ ਬਹੁਰੰਗੀ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਵ ਚਿੰਤ ਤੁਦ ਪਾਸੇ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ ਰਾਣਾ ਰਉ ਨ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੀਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਚੌਪ ਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹੰਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਹਮਾਰਾ ਬਲਬਲ ਜਾਸੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਏ ਏਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹੰਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਹਮਾਰਾ ਬਲਬਲ ਜਾਸੇ
हर दर्शन देहो दिखाए, सुन मीता थोरी कोवल जाए, एहो मन तेरा भाए रहा। आव लोव मल मल तोव, एह मन तै कुदेश, सुन मीता हो तेरी शरण आया, परा मिलो देहो उपदेश। मान न कीजै शरण परिजै, करै सो भला मनाइयै, सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पीजै, इउं दर्शन हर जियो पाइयै। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै, हर नाम है मिच्छा, जन नानको गुर कृपा तहारी, सव्यकुल निरंजन डिठा। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै, हर नाम है मिच्छा, जन नानको गुर कृपा तहारी, सव्यकुल निरंजन डिठा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁੱਲੋ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁੱਲੋ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਬਰੇ ਤੈਨਾਤ ਹਲਤ ਸੁਖ ਪਲਤ ਸੁਖ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਨ ਵਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਵਿਖਾਏ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਕਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰਨਾਥ ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ। ਹਰਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰੀ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦਰਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 54 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਖੁਰਮ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਖੁਰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮਰਦਾਨਿਆ 52 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ, ਬਈ ਹੁਣ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਜਦੋਂ 26 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ 54 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਾਂਗ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ 26 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਖੋਲ ਹੁਣ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੰਗੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ। ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਬੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਬੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੋ, ਆਬੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਾਇਆ ਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮੰਗੀ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪੂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੀਜੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਬੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਰਬਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰਬਾਬ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ, ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
जिस धर्म नाल असीं लोक संबंध रखदे आ उस धर्म च किसी भी जात का बंदा सेवक बने वो साडे नाल रहा हो। बाबे नानक ने उन्हूं बख्शिश दित्ती होए रबाब दी उस खानदान पर उन्हां नूं कीर्तन नहीं करदा। चलो बेनती है मेरी भाई समा ज्यादा हो गया, मैं जैसे तक कीर्तन सुन रहा थी बाबा जी उन्होंने तो बड़ा डमोलियां बडमोलियां गल्लां करदे ने, कीर्तन दस के सानू गुरबाणी ने रस्ता दसिया। माता अजमेर कौर ते मेरा चाचा जी का बेटू सी अभिनेंद्र सिंह, ओदी घरवाली है सतविंदर कौर जिन्हे इतने रह के आपकी मां की सेवा की है। मां वर्गी दुनिया च कोई चीज नहीं, सब तो उत्तम है आपा प्यो हां तुसी भी हो, पर जो जन्मदाती है जेड़ा सब तो बड़ा अंग परमात्मा ने बख्शिया है वो जनानी नू बख्शिया। तुसी निगाह मारो तुसी संसार नू जन्म नहीं दे सकते, जन्म तो बीबिया ही दे सकती है। इस करके मां का जेड़ा रुतबा है वो बहुत बड़ा है। असीं लिखते हाँ खोजते हाँ इन्हां चीज़ां नू लियांदे हाँ। जदों मरदाने दी मैं तुहानू दस रहा सी इन्हां दी जीवन सारा लिखते लिखते पहुँच गए तां अखीर नू वीर दुंदर मेरे क्लास फैलो ने ये जिहड़े विधान सभा दे डिप्टी स्पीकर रहे ये मेरे जमाती रहे असीं 57 साल सानू कठिया नू जांदे असी ऐसे काम ते आं वी परमात्मा दी जिथे कोई भगत गया ओदी खोज करनी ओदा लिखनी। मरदाना जी दी असी लिख के सारी श्रोमणी कमेटी नू अमृतसर दे के आए, उन्हां दा पूरा जीवन बाला जी लिखदे सी। बाबा नानक जी बाणी का गायन करते ते बाला जी लिखिया करते, सारी अमृतसर देखी उन्होंने प्रिंट कराई कि नहीं कराई असी उन्होंने देखिया। देखो 54 साल का सफर उत्ते जाके उन्होंने प्राण त्याग किया, जिते बंदे का किसी धरती से स्वास निकलना उत्ते निकलना। वाहिगुरु की कृपा अज इस माता के भोग से आना सी, पहला मैं उस छोटे नूं ब्याहण वास्ते इत्थे आया सी पर पता नहीं सी भई सतविंदर दी तां चुन्नी भी नहीं मैली हो। जदों सिर दा साईं उठ गए वो चले गए ते फिर मास्टर जी दे भोग ते आए सी। हुण मैं 5 महीने तो बाद बेटू मेरे कनेडा च ने, उत्थों कुदरती आना सी अज तुहाडे दर्शन होने सी संगत दे, अज फिर माता दे भोग ते आना पिया सी। पर मैं रिणी हाँ मास्टर जी दा सोहणे वाले जिहड़े सारे परिवार दी घर दी अच्छी परवरिश कर रहे ने, परमात्मा उन्हां नूं शक्ति दे भई मास्टर जी सोहणे वाले इस घर दी संभाल करन। मैं उन्हां नूं बेनती जरूर करांगा भई तुसीं घर दी इसे तरह सारिआं नाल मिलजुल के सेवा करदे रहो। तो हुण मैं आग्या लैणा तुहाडे दर्शन हो गए, वाहेगुरु जी का खालसा सारिआं दा सोरी सारी संगत जो इत्थे पहुंची है उहदा सारी दा धन्नवाद, बीबियां दा और भाइयां दा मेरे दा सारिआं दा, बाबा जी दा विशेष तौर ते जिन्हां ने ये वजीर ने गुरु साहब दे साडे गुरु ग्रंथ साहब दे जिहड़े सानूं ज्ञान करन दे। तो बाबा जी माफ करना मैं भुल गया सी है ने, इस करके सारे तो खिमा दे जा चुका। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की खालसा फतेह। धन्यवाद है गुरु ग्रंथ साहब का जिन्होंने सानू लड़ लाया।
बहुत प्यारे वचन बाबा जी कर रहे सन। हुण गुरु महाराज जी दे सुखासन हो चुके हैं, निज स्थान ते तैयारी है जाण दी। जिवें महापुरखां ने बेनती कीती है कि आपां कई गल्लां विसार दिंदे हाँ, क्योंकि माता जी की अंतम अरदास है। तो आउण वाला जो ये 30 अते 31 अक्तूबर 2001 नूं जिन्हां महापुरखां ने आप जी दे इस रोपड़ जिले में जिथे कोई सिक्खी का बहुता प्रचार नहीं सी, दबिया पिया सी इलाका गरीबी दे विच, ते उन्हां महापुरखां ने 1978 तो लैके 2001 तक इस इलाके दे अंदर विचरे, ते लखां ही प्राणियां नूं अमृत की दात दे के उन्हां नूं वाहिगुरू जी दे धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल जोड़िया। ते अज इह इलाका न्यू चंडीगढ़ दा रूप धारण कर चुकिया है, जिथे जिथे जिस जिस घर दे अंदर उन्हां दे चरण पए सारा ही इलाका उन्होंने रोपड़ दा एक खुशहाल कीता। ते 2001 31 अक्तूबर नूं आप जी ने शरीर का परित्याग किया। उन्हां तों बाद 12 साल बाद परम पूज्य सत्कारयोग बी जी उन्होंने भी उन्हां दा साथ दिता, क्योंकि सानू तां संगत दे विच बैठण दा भी नहीं पता सी। आ बीबियां नूं धारणा दे विच बोलना सिखाउणा, नेड़े बिठाउणा, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे भाइयां नूं आप नेड़े करके बिठाउणा, ते धारणा दे विच जो बोलण दा फल है वह दसना कि जीवा थोड़ी देर वास्ते जीव आत्मा नूं प्राप्त होई है, कि इस दा प्रयोग करके आपां वाहिगुरू जी दे दर दे उत्ते पहुँच सकते हाँ। सो उन्हां दा बहुत ही बड़ा इस इलाके दे उत्ते ऋण है, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बना के जो आप जी दे बच्चे किन्ने ही विद्या मंदिर दे अंदर पढ़ते हाँ, क्योंकि इलाके दी उन्होंने सार लई, भावें उन्होंने धार्मिक पक्षों उच्चा चुकिया, उस दे बाद देखिया कि इस दे इलाके दे अंदर कि दूर दूर तक कोई बड़ा स्कूल नहीं है, भावें उधर कराली सी इधर चंडीगढ़ सी, साढ़े बच्चों वास्ते उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह विद्या मंदिर CBSE स्कूल की रचना की 2001 दे विच अप्रैल वाले दिन, अप्रैल महीने दे विच भावें अक्तूबर शरीर छड़ दिता। ते अज साढ़े बच्चे इस रोपड़ जिले दे इस स्कूल दे विच पढ़ के अमरीका कनेडा इंग्लैंड दे विच सैटल हो चुके हैं। सो साडा फर्ज की बनता है, साडा फर्ज तो इन्ना की है कि उन्हां दी जिवें आ माता जी दी याद है, साल दो साल तीन साल उन्हां नूं याद रखणगे फिर भुल जांदे हां, पर हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा नरारी रे, आवै न जावै ना कबहू मरते पार ब्रह्म सिंगारी रे। जिहड़े चंगे मापे हुंदे हन, चंगे सियाणे बजुर्ग चंगे बच्चे हुंदे हन, उह उन्हां दी निमित पितरां दे निमित जिवें आ हुण लंघिया है करदे ही रहिंदे हन कुछ ना कुछ। सो अपना फर्ज उन्हां महापुरखां दी याद दे विच बणदा है कि आपां रतवाड़ा साहिब 30 31 अक्तूबर 1-2 नवंबर तों जरूर 31 दा जो दिन है रात दे 11:30 बजे परम पूज्य सत्कारयोग बी जी ने शरीर छड्डिया, ते रात नूं क्योंकि जे 12 हो जांदे तां 2 तरीक हो जाणी सी, पर या 12 तो उत्ते चले जाते आप जी ने 31 दे नाल एक मिला दिता, जे किते होर भी अगे पिछे शरीर छड दे तां 2 समागम होने सी। इन्हां नूं कहिंदे हन कि धुर दरगाह तों जोड़ियां आउंदियां हन ते संसार दे भले वास्ते शरीर धारण करदियां हन। सो अपना तां इन्ना की फर्ज बनता है कि वह स्थान दे उत्ते जरूर नतमस्तक होइए, जो भी सेवावां चलदियां हन उन्हां दे विच थोड़ा बहुता हिस्सा पाओ। फतेह बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुदे आगे अरदास जियो पिंड साहिब।